अच्छा राणा साहब, ये जो जरदारी साहब अभी बड़ी खुलकर तनकीद कर रहे हैं, बिहार में उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया है, जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैंने पीडीएम बनाकर जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया है, और ये भी कहा है उन्होंने कि जी अब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, बड़ा बयान है। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरह जरदारी साहब बड़ी जारहाना पोजिशन लेकर सामने आ गए हैं, ये अब मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आपके लिए, नून लीग के लिए? देखें, जरदारी साहब जो है बड़े एक वाइस और बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है, और वो सियासतदान है, देंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम को बनाने में उनका एक कलीदी रोल था, और अब आइंदा उनका जो भी सियासी एजेंडा या सियासी मुफाद होगा तो उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे, लेकिन वो एक जो है वो वाइज सियासतदान की तरह हालात से समझौता करने की बड़ी कुव्वत रखते हैं, तो इसलिए आने वाले हालात में इलेक्शन तो वो हमारे और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, और जब खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे, तकरीर भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, लेकिन जैसे ही आवाम का फैसला आ जाएगा तो मुल्क की तामीर के लिए और मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का तआवुन हमें और हमारा तआवुन उन्हें दरकार होगा, और उसमें इंशाल्लाह ताला मिल के सभी जमातें जो है मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।